बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी और शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। जान से मारने की मिली धमकी के बाद अब एक नए मामले को लेकर वो चर्चा में बने हुए हैं। क्या है ये पूरा मामला, आपको इस वीडियो में समझाएंगे, इसलिए आप इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल रविन्द्र सिंह भाटी और उनके समर्थकों के खिलाफ पचपदरा पुलिस थाने में एक केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि ये केस 3 दिन पहले रविन्द्र सिंह भाटी और उनके समर्थकों की ओर से बालोतरा में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर किए गए प्रदर्शन के मामले में दर्ज किया गया है। पुलिस ने इसमें रविन्द्र सिंह भाटी समेत 32 लोगों को नामजद किया है और इनके अलावा करीब 800-900 ऐसे अन्य लोग हैं जिन्हें इसमें आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने रविन्द्र सिंह भाटी और उनके समर्थकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 186, 188 और 283 के तहत कई सारे केस दर्ज किए हैं। रविन्द्र सिंह भाटी ने लोकसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान 26 अप्रैल को जब दूसरे चरण का मतदान हो रहा था उस दिन बायतू इलाके में हुए मारपीट के मामले में अपने समर्थकों के साथ ये प्रदर्शन किया था और इस केस में रविन्द्र सिंह भाटी ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का एक गंभीर आरोप भी लगाया था। उसके बाद 27 अप्रैल को इसी से गुस्सा होकर उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मिलकर बालोतरा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर जाकर प्रदर्शन किया था और अब इसी मामले को लेकर उन पर कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक के घर के बाहर ये सभी पहुंचे हुए थे हजारों की संख्या में और वहां पर जमकर नारेबाजी की गई थी, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए थे और प्रदर्शन किया गया था। वहीं दूसरी तरफ बाड़मेर जिले में लोकसभा चुनाव के दिन मतदान के दौरान एजेंट और मतदाताओं के साथ मारपीट करने के मामले को लेकर सोमवार को जाट महासभा ने बाड़मेर जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा है। सभा ने विभिन्न स्थानों पर की हुई मारपीट के मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है और इसी को लेकर यह मामला जो है वो अब आगे बढ़ता चला जा रहा है। रविन्द्र सिंह भाटी की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है और आप बड़े अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।